Toyota Yaris has been in the market since 3 years. 2020 में लॉन्च हुई थी B सेगमेंट कैटेगरी में एंड इट रिप्लेस द 1.3 वेरिएंट्स ऑफ द करोला. अभी तक इसके बारे में कॉमन ओपिनियन ये है कि यारिस का जो स्टांस है वो काफ़ी आपको ऊपर लगता है और नीचे जो है गाड़ी थोड़ी सी इनकम्प्लीट लगती है. सो टू काउंटर दैट यारिस में पहली बार एक अपग्रेड किया है इन इट्स प्रोडक्शन पीरियड और यारिस एरो जो है अब फाइनली लॉन्च कर दिया है. तो इस गाड़ी में इसके एक्सटीरियर को चेंज किया है थोड़ा, तो इस रिव्यू में हम इसके बताएंगे एक्सटीरियर चेंजेस. तो पार्क व्हील्स के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन टैप करें ताकि आप ऐसी रिव्यू से नोटिफाइड रहें. क्या आपको भी इन साहब की तरह पार्क व्हील्स कार इंस्पेक्शन का नहीं पता? अभी पार्क व्हील्स ऐप पे जाओ, बेसिक मालूमात देकर इंस्पेक्शन बुक कराओ, जदीद आलात और ट्रेन टेक्नीशियन से गाड़ी चेक कराओ, फिर सुकून से गाड़ी की सर से पैर तक की डिजिटल रिपोर्ट पाओ. अस्सलाम वालेकुम पार्क व्हीलर्स, मेरा नाम है मुस्तफ़ा काजी एंड दिस इज़ द टोयोटा यारिस एरो. ऑटो इंडस्ट्री की अगर बात कर लें, एक ओवरव्यू ले लें, तो इट्स नॉट इन अ वेरी स्टेबल पोजीशन, लेकिन इट सीम्स लाइक कि टोयोटा इस अनसर्टेन मार्केट में भी काफ़ी अच्छी तरह सर्वाइव कर रहा है एंड वी कैन सी दैट बाय सेल्स फिगर्स. यारिस भी काफ़ी हेल्दी नंबर्स में बिक रही है, टोयोटा रीवो और फॉर्चुनर के सेल्स फिगर्स भी काफ़ी अच्छे हैं कम्पेयर टू अदर कंपनीज जो कि प्रोडक्शन जिनकी हॉल्ट हुई हुई है और डिमांड काफ़ी लो है. यारिस की अगर बात कर लें तो 2020 में ये गाड़ी लॉन्च हुई थी एंड इट रिप्लेस द 1.3 वेरिएंट्स ऑफ द करोला बी सेगमेंट सेडान जो कि टोयोटा से साइज़ में छोटी थी एंड कम्पीटेड विद द होंडा सिटी एंड लेटर ऑन एल्सवन भी इस मार्केट में आ गई थी. 2020 में इसके इनिशियल 6 वेरिएंट्स आते थे, GLI, MT और CVT. फिर 8A 1.3 में CVT और MT आता है, फिर 1.5X CVT आता है और 1.5 MT आता है. अब इस 6 वेरिएंट्स में 2 और वेरिएंट्स ऐड हो गए हैं टोयोटा यारिस एरो में जो कि ऑफर होती है टॉप ऑफ द लाइन 1.5 CVT X में और 1.3 ATIV CVT में. इसका एक कॉमन ओपिनियन इसके बारे में ये था कि इसका जो स्टांस है वो काफ़ी ग्राउंड से ऊपर था. टोयोटा ने अब 3 साल बाद इसकी प्रोडक्शन के इसमें टोयोटा यारिस एरो वेरिएंट जो है लॉन्च कर दिया है, जिसमें टोयोटा ने इसके एक्सटीरियर पे फ्रंट बम्पर में किट लगा दी है, साइड स्कर्ट्स ऐड कर दी हैं, पीछे डिफ्यूज़र और एक एक्सटेंशन ऐड कर दिया है, लिप स्पॉइलर ऐड कर दिया है, जिसकी वजह से जो गाड़ी का एक्सटीरियर है वो काफ़ी स्टाइलिश हो गया है और अब जो है मिलेनियल्स के जो टारगेट मार्केट है उसको ज़्यादा अच्छी तरह कैटर करता है. डिज़ाइन की अगर बात करें तो टोयोटा यारिस का जो ओवरऑल फ्रंट फेशिया है, जो स्ट्रक्चर है गाड़ी का, वो टोयोटा के दूसरे मॉडल से काफ़ी रिजेंबल करता है और टोयोटा की फैमिली की गाड़ी लगती है. फ्रंट में जो है काफ़ी ब्रॉड जो है बोल्ड हैलोजन हेडलैम्प्स आ जाते हैं, यहाँ ग्रिल में क्रोम के ट्रिम्स आ जाते हैं, नीचे जो ये रेडिएटर की ग्रिल है एक कॉर्नर से दूसरे तक एक्सटेंड करती है और काफ़ी जो है पूरे बम्पर को कवर करती है. अब जो इसमें चेंजेस आए हैं वो ये हैं कि जो है इसमें OEM पार्ट्स ऐड हो गए हैं, जिसमें ये जो फ्रंट का लिप है ये मैट ब्लैक में आ गया है. फॉग लाइट की हाउसिंग जो है वो ऊपर तक एक्सटेंड करती है जो कि गाड़ी को काफ़ी जो है अग्रेसिव लुक देती है. फिर साइड से भी जो गाड़ी का जो बम्पर है वो एक्सटेंड करता है, कीपिंग इन माइंड कि ये कोई एडिशनल किट नहीं है जो कि बम्पर के ऊपर से लगी है, बल्कि ये बम्पर का हिस्सा ही है. साइड्स पे आ जाएं तो यारिस का एक आपको साइड प्रोफाइल का एक जनरल ओवरव्यू दे देते हैं. स्टार्टिंग ऑफ द एलॉय रिम्स, यारिस में जो है 8A वेरिएंट्स में जो 15-inch एलॉयज जो है ऑफर होते हैं विद 185 साइज टायर्स, ये लोकल टायर्स हैं. अब जो चेंज है उसकी बात कर लेते हैं तो ये साइड स्कर्ट जो है वो ऐड हो गया है और काफ़ी स्लीक साइड स्कर्ट है, आउट ऑफ प्लेस नहीं लगता. यहाँ जो कट आ रहा है वही कट जो है एक्सटेंड होता है रेयर बम्पर में, पीछे बम्पर को काफ़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है. पर्सनली मेरा जो फेवरेट पार्ट है यारिस एरो का वो है इसकी रेयर प्रोफाइल, और रेयर प्रोफाइल में 2 एरो पार्ट जो हैं वो ऐड हुए हैं. एक है ये ट्रंक स्पॉयलर जो कि काफ़ी मिनिमल है और काफ़ी जो है स्लीकली डिज़ाइन हुआ हुआ है इसमें, ये यहाँ 2 कट्स हैं, अनलाइक आफ्टर मार्केट स्पॉयलर्स जो बिल्कुल डबल टेप से चिपकते हैं और बिल्कुल पतले से होते हैं और क्वालिटी में बहुत वो फ्लिमजी होते हैं. फिर एक और जो एरो पार्ट ऐड हुआ है वो ये है कि इसका जो बम्पर का एक्सटेंशन है वो ऐड हो गया है, पीछे एक मैट ब्लैक डिफ्यूज़र आ गया है और रिफ्लेक्टर्स के अराउंड जो है बम्पर साइड से भी एक्सटेंड करता है. ओवरऑल जो रेयर प्रोफाइल है गाड़ी की वो प्रीवियसली जो थोड़ी सी इनकम्प्लीट फील होती थी, अब जो है रेयर प्रोफाइल काफ़ी जो है आपको एक हेफ्टी फील देती है. अब बात कर लेते हैं व्हाई इज़ इट बेटर देन आफ्टर मार्केट बॉडी किट्स. तो सबसे पहले एक क्वालिटी, टोयोटा ये बोलता है कि ये OEM अप्रूव पार्ट्स हैं और टोयोटा जेन्युइन एसेसरीज़ के अंदर फॉल करते हैं, तो इनकी जो क्वालिटी है वो आफ्टर मार्केट में आपको नहीं मिलेगी और ये डिज़ाइन भी आपको ऑफ द रैक नहीं मिलेगा अनलेस के फ्यूचर में कॉपी हो जाता है. फर्स्टली पेंट की बात कर लेते हैं. आफ्टर मार्केट बॉडी किट्स में ज़्यादातर पेंटर्स जो है वही पेंट यूज़ करते हैं जो कि आपकी बॉडी पर करते हैं मेटल पर, जबकि प्लास्टिक का जो पेंट है वो अलग होता है और उसी हिसाब से इस बम्पर का जो पेंट फिनिश है वो काफ़ी अच्छा है. फिर जो इसकी फिटिंग है वो भी टोयोटा के अप्रूव टेक्नीशियन से होते हैं, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है और जो एडिसिव्स यूज़ हुए हैं उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर है. फिर जो प्लास्टिक की क्वालिटी है ओवरऑल वो आपको बहुत बेहतर मिल जाती है. आफ्टर मार्केट बॉडी किट्स आपको ज़्यादातर जो है नीचे से स्क्रेट मिलती हैं और पेंट चिप हो जाता है कुछ दिनों बाद, लेकिन क्वालिटी वाइज दिस बॉडी किट इज़ वेरी बेटर. जो विजुअली गाड़ी की अपेयरेंस है वो काफ़ी आपको ग्राउंडेड और कम्प्लीट लगती है. प्राइसिंग की अगर बात कर लें तो ऑब्वियसली टोयोटा अगर आपको एक अपग्रेड दे रहा है तो इट विल कम विद अ प्राइस.
और टोयोटा जो है इसे 2 लाख रुपीज अबव प्राइस कर रहे ऑन टॉप ऑफ द 1.5 सीवीटी एक्स वेरिएंट एंड द 1.3 एटिव वेरिएंट। इसकी अगर करंट इनवॉइस की बात करें तो 5969 की 1.5 एरो है, 1.3 एटिव जो है वो अराउंड 52 की है। अगर आपको इसकी ऑन रोड प्राइस कैलकुलेट करनी है या एग्जैक्ट अपने शहर में प्राइस कैलकुलेट करनी है तो हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, इसकी एक्चुअल जो है प्राइस ऑन रोड कैलकुलेट कर सकते हैं। कीपिंग इन माइंड ये जो एरो वेरियंट है ये एक सेपरेट वेरियंट है, इट्स नॉट अ पेड ऑप्शन। तो आप अपनी जो है पुरानी यारिस या फिर स्टैंडर्ड यारिस को इन पार्ट से अपग्रेड नहीं करा सकते। तो अगर आपको टोयोटा यारिस की ये वाला जो डिज़ाइन चाहिए तो आपको एक सेपरेट वेरिएंट लेना पड़ेगा। तो अपनी यूज्ड गाड़ी आप जो है पार्क व्हील्स पे ऐड लगा सकते हैं और नई टोयोटा यारिस एरो जो है आप बुक करा सकते हैं। बुकिंग डिटेल्स की बात कर लें तो बुकिंग जो है करंटली गाड़ी की ओपन है, डिस्प्ले के लिए ये कराची और लाहौर और इस्लामाबाद के शोरूम्स पे बहुत जल्द आ जाएगी। तो इस गाड़ी को आप शोरूम में इन पर्सन एक्सपीरियंस भी बहुत जल्द कर सकते हैं। कमिंग टू द वर्डिक्ट, टोयोटा यारिस एरो मुझे पर्सनली डिज़ाइन वाइज तो काफ़ी बेहतर लगी स्टैंडर्ड यारिस से। लेट अस नो इन कमेंट्स कि आपको टोयोटा यारिस कैसी लगी एंड डू यू थिंक दैट दिस प्राइस अपग्रेड इज जस्टिफाइड विद द पार्ट्स दैट टोयोटा इज गिविंग। तो अपने कमेंट से हमें आगाह करें और पार्क व्हील्स चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन टैप करें ताकि आप ऐसी वीडियो से नोटिफाइड रहें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।